मेरठ पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार ने भी ऑपरेशन मंकी पर सवाल खड़े किए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंदर वन विभाग का एनिमल नहीं है, इसलिए बंदरों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी उनके डिपार्टमेंट की नहीं है। वहीं मंत्री जी कहते हैं कि बंदरों की पॉपुलेशन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। वन विभाग का एनिमल नहीं है, इसलिए इस पे वन विभाग का कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो हमारे उस पे बंदर पे कोई कंट्रोल का हमारी जिम्मेदारी है, ना बंदर की के लिए किसी तरह का हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नगर निगम मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बंदर से लोगों को दिक्कत है, जैसा आपने बताया बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो मैं तो यही कहूँगा इसमें अल्फा मेल का स्टरलाइजेशन होना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन कम हो। क्या सर, जैसे लंगूर को ये कैटेगरी में माना गया है, वो वन्य जीव की श्रेणी में आता है लेकिन बंदर नहीं आता? लंगूर जो है वो वन जीव प्राणी है और उसके मामले में हमारे केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के लाज लागू होते हैं, लंगूर नहीं पाला जा सकता। हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि वो अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने टड़ियावा थाने में पहुंचा और वहां पर उससे भैंस का की आधार कार्ड और परिचय पत्र मांग लिया गया। वहीं पुलिस वालों ने आरोप को निराधार बताया है। पीड़ित ने बताया कि घर के पास टीन शेड है, यहां पर बंधी हुई उसकी भैंस को 20 अक्टूबर की रात चोर खोल कर ले गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो उसने हरिहरपुर पुलिस चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया। वहां पर चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया, फिर वो टड़ियावा थाने में गया। आरोप ये है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी ने बताया कि पहले भैंस का परिचय पत्र और आधार कार्ड लाइए, तब रिपोर्ट की जाएगी। हमारी जो भैंस थी वो रोज की तरह अपने टीन शेड के नीचे बांध देते थे चारा पट्टा खिला के। 20 तारीख को हमारी भैंस साहब गायब हो गई थी और उसके बाद में जो हम चौकी पर एप्लीकेशन लिखवाने गए तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद जो हम थाने में आए तो वहाँ हमको बताया गया कि भैंस का आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र लेके आओ, तब हम भैंस ढूंढ लेंगे साहब। लखनऊ में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से भारत में बसे दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक दोनों नेपाली नागरिक लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी किया करते थे। एसटीएफ ने लखनऊ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से नेपाल आईडी कार्ड और फर्जी भारतीय आधार कार्ड की कॉपी बरामद की गई। आरोप के मुताबिक ये नेपाल में बसे चीनी नागरिक के साइबर ठगी गिरोह से जुड़े हुए हैं। ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए भारतीय बैंक खाते दिलाते थे। एसटीएफ अब इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में होटल की अवैध जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने रात के अंधेरे में बुलडोजर कार्रवाई की करते हुए दीवार को गिरा दिया। नगर कोतवाली थाना के सिपाह इलाके की यह घटना है। कानपुर देहात में चोरों ने एक कारोबारी के घर को निशाना बनाया है। घर का ताला तोड़कर कैश और जेवरों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। करीब 30 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। घटना के वक्त कारोबारी और उनका परिवार हॉस्पिटल गए थे। घटना कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के कस्बा पुखराया का है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं कन्नौज से, जहां पर अजीबोगरीब मामला सामने आया। पति ने पहली पत्नी को मृत दिखाकर दूसरी शादी रचा ली। इतना ही नहीं, पहली पत्नी के जीते जी पति ने उसका श्राद्ध भी कर डाला। आरोपी पति ने पहली पत्नी के अपने दो बच्चों को जबरन उठवा लिया। आरोपी पति पवन पटेल के अवैध संबंधों की वजह से पीड़िता पूजा अपने बच्चों के साथ कानपुर में अपने मायके में रह रही थी। पीड़िता ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस को पति की करतूत की जानकारी देकर अपने बच्चों को वापस पाने की गुहार लगाई है। मामला तलाग्राम थाना क्षेत्र के भवानी सराय का है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, अंबेडकर नगर से दवा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात उस वक्त हुई जब दवा कारोबारी मेडिकल एजेंसी बंद कर घर जा रहा था। घर से कुछ दूर पहले बदमाशों ने मारपीट की और करीब
2 लाख रुपए लूट लिए। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर कृष्णा नगर कॉलोनी की है। कानपुर देहात में बलवंत हत्याकांड में तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह और मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे को 5 साल की सजा हुई है। साथ ही 6 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर लिया है। साल 2022 में पुलिस की पिटाई से बलवंत की मौत हो गई थी। 8 पुलिस वालों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सोलर सिस्टम के बैटरी सेक्शन में आग लगी थी। सोलर सिस्टम के पावर बैकअप की बैटरियां जहां पर रखी हुई थी वहां पर अचानक धुआं उठता देखकर सिक्योरिटी ने फायर सेक्शन को जानकारी दी थी। उसने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की। इस बीच सूचना पाकर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग से सोलर सिस्टम के लिए लगी लाखों रुपए की कीमत की बैटरियां नष्ट हो गई हैं। तो सोलर सिस्टम के बैटरी सेक्शन में आग लगी है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। टेलीफोन इंडस्ट्री कैंपस में आग लगी थी जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया। रायबरेली में आग पर काबू पा लिया गया है। गोरखपुर पुलिस ने महिला से लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के 2 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से लूटी गई मोबाइल, 50,000 नकदी और वारदात में शामिल की गई बाइक बरामद हुई है। 17 अक्टूबर को गुलरीहा इलाके में बैंक से पैसा निकालकर ले जा रही महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की है। मथुरा के राधा कुंड में अहोई अष्टमी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। देश विदेश से लाखों की संख्या में लोगों ने संतान के लिए कुंड में स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी को इस कुंड में स्नान करने के लिए आने से संतान की प्राप्ति होती है। इस मान्यता को लेकर देश विदेश से लाखों की संख्या में निसंतान दंपत्ति संतान की चाह में इस कुंड में स्नान कर मन्नत मांगने पहुंच रहे हैं। अहोई अष्टमी पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हुए हैं।